हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम करने वाले हैं 11th फिजिक्स का जो हमारा सेकंड चैप्टर है, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज एरर्स। तो बेसिकली हम यहाँ पर मेजरमेंट के अंदर जो एरर होती है, एग्जिस्ट करती है, उस एरर के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं इन दो वर्ड्स का डिफरेंस आपसे पूछना चाहूँगा, व्हाट एग्जैक्टली इज एक्यूरेसी और प्रेसिशन। ये दोनों वर्ड्स हमने काफ़ी कॉमनली सुने हैं, पर क्या इनके बीच में जो डिफरेंस है उसका आपको पता है? देयर इज, हमको लगता है कि भाई ये दोनों वर्ड्स तो एक जैसा ही है, सिमिलर है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है भाई, देख लेते हैं। एक्यूरेसी यानी क्या होता है, जैसे मान लो कि किसी चीज का मैंने मेजरमेंट किया, मान लो एक स्फीयर है, उस स्फीयर का रेडियस मैंने मेजर किया और मुझे वो वैल्यू मिली है 1.27। ओके, और जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 1.2791। ओके, ये सेंटीमीटर्स में है और मैंने भी यहाँ सेंटीमीटर में ऑब्टेन किया है। दिस इज द ट्रू वैल्यू, याद रहे ये ट्रू वैल्यू है, और मैंने जो मेजर किया वो ये मेरा वैल्यू है 1.27। और मान लो कि आपने मेजर किया और आपको वो वैल्यू मिली है 1.1943 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर डिफरेंस देखो, अगर मैंने मेजर किया है 1.27 यानी पॉइंट के बाद दो डिजिट तक, मतलब मैंने जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है उसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। ओके, तो यानी कि पॉइंट के बाद मैं दो डिजिट तक ही मेजर कर सकता हूँ, ये मेरा लिमिटेशन है बिकॉज ऑफ माय इंस्ट्रूमेंट। तो मैं उसको मेजर कर पाया 1.27 यूजिंग माय इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पर पॉइंट के बाद दो डिजिट तक ही मैं मेजर कर सकता था। पर आपने जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भाई आपने मेजर किया, सपोज आपका वैल्यू मिला है 1.1943, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद आप चार डिजिट तक मेजर कर सकते हो, ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिला है। तो अब ये दोनों ही वैल्यूज देख लो आप, ये मैंने मेजर किया, ये आपने मेजर किया, और ये ट्रू वैल्यू है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो ये है। तो इसमें ये दोनों जो यहाँ मेजरमेंट दिख रहा है आपको, इसमें से एक है जो मोर एक्यूरेट है और दूसरा है जो मोर प्रिसाइज है। तो अब डेफिनेशन समझ लो इसका, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है। एक्यूरेसी इज नथिंग बट क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। तो अब यहां पर दिख रहा होगा आपको ज्यादा क्लोज कौन सा लग रहा है, ऑब्वियसली ये वाला 1.27 इज मोर क्लोजर टू दिस ट्रू वैल्यू, है ना, कंपेयर टू दिस। यानी 1.943 तो काफी दूर है देखा जाए तो, कंपेयर टू 1.27, इसलिए 1.27 वाले को हम मोर एक्यूरेट रीडिंग कहेंगे कंपैरेटिवली, और 1.1943 जो है ये वाली वैल्यू एक्यूरेट तो नहीं है कंपैरेटिवली, पर ज़्यादा प्रिसाइज है। यानी कि पॉइंट के बाद आप देखो चार डिजिट तक मेजर कर पाए हो, यानी कि आपके डिवाइस का लीस्ट काउंट कम था, कितना था 0.0001, है ना, यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद चार डिजिट्स, यानी इसका मतलब यह है कि आपकी इंस्ट्रूमेंट की वजह से आपका प्रेसिशन ज़्यादा है आपकी वैल्यू का, आपके जो मेजर्ड वैल्यू का है, और मैंने जो मेजर किया है वहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर दिस इज 1.27, क्लोज तो है, एक्यूरेट तो है कंपैरेटिवली, लेकिन प्रिसाइज नहीं है। तो प्रेसिशन क्या है, प्रेसिशन इज द यू कैन से द एक्सटेंट टू विच द मेजरमेंट इज डन, किस हद तक मेजरमेंट किया गया है वो प्रेसिशन होता है, और अगर आप एक्यूरेसी की बात करो तो इट इज़ द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया, एक्यूरेसी और प्रेसिशन का जो डिफरेंस है वो तो समझ लिया। अब यहाँ पर आगे देखते हैं एग्जैक्टली एरर से जुड़ा हुआ टर्म। पहले तो मेजरमेंट, हमने चैप्टर की शुरुआत में ही मेजरमेंट का मतलब समझा था क्या होता है। मेजरमेंट इज सिंपली अ कंपेरिजन, जैसे कि इफ आई एम सेइंग कि भाई ये जो पेन है इसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर, तो आई मीन टू से कि इसका जो लेंथ है वो एक सेंटीमीटर की कंपैरिजन में 12 गुना है, 12 टाइम्स ऑफ अ स्टैंडर्ड कॉल 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर तो हमको पता है, उसकी उससे हम कंपेयर कर रहे हैं इसको। मेजरमेंट इज सिंपली अ कंपैरिजन, ओके, हमको इससे आइडिया लग पाता है जब हम यूनिट से कंपेयर करते हैं किसी, जैसे 1 सेंटीमीटर की यूनिट है, राइट। स्टार्ट करते हैं विद द एरर। तो एरर क्या होता है, एरर इज सिंपली, जैसे यहाँ पर हम मेजरमेंट के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एरर का मतलब है कि आपने जो वैल्यू रीड करी वो ट्रू वैल्यू से, यानी उस चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू से कितनी उसमें डिफरेंस है, उसको हम एरर कहेंगे।
ठीक है, जैसे कि मान लो किसी चीज का लेंथ है 1.2 मीटर और आपने मेजर किया है 1 मीटर, तो ये जो 0.2 मीटर है वो क्या है, वो एरर है. सो दैट डिफरेंस, ओके, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू गिव्स यू द अमाउंट ऑफ एरर यू हैव डन. ओके, तो ये हो गया. इसके बाद एरर जो है, जब हम फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या जब नॉर्मली कोई प्रैक्टिकल्स किया जाता है, तो वहाँ पर एरर्स कैसे कैसे अराइज होते हैं, कौन सी टाइप के होते हैं, वो हम यहाँ पर जनरली देखने वाले हैं. तो एरर के मेजरली 3 टाइप्स होते हैं, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर. सिस्टमैटिक एरर उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है. सिस्टमैटिक यानी कि जो एक फिक्स तरीके से एरर एग्जिस्ट हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो सपोज दिस इज अ थर्मोमीटर, और थर्मोमीटर का जो कैलिब्रेशन है, जो मार्किंग है उसके ऊपर 0 डिग्री एंड जो भी वहां पर कैलिब्रेशन किया हुआ है, वो ऐसा है कि भाई जब कोई चीज मेजर नहीं भी कर रहे हो, मान लो आपने 0 डिग्री में इंसर्ट किया है उसको, 0 डिग्री के टेम्परेचर या सराउंडिंग में, और उसके अंदर भी वो 0 डिग्री पॉइंटर नहीं दिखा रहा, वो मान लो कि 0.1 डिग्री दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस इंस्ट्रूमेंट को जो कि थर्मोमीटर है उसको अगर मैं 0 डिग्री के स्पेस में रख रहा हूँ, फिर भी वो 0 डिग्री नहीं दिखा रहा, इसका मतलब उसके ऊपर जो कैलिब्रेशन है वो गलत है. 0.1 दिखा रहा है, मतलब कि अगर 100 डिग्री में मेजर करूँगा तो 100.1 दिखाएगा, तो ये तो गलत दिखा रहा है. ओके, तो ऐसे वाले इंस्ट्रूमेंटल एरर इसमें आते हैं, या ऐसा कोई भी चीज़ जो सिस्टमैटिक अराइज हो रहा है, जैसे कि मान लो जो बंदा रीड कर रहा है या उसको उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है, उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कोई खास चीज़ को प्रॉपरली देख नहीं पा रहा किसी खास तरीके से, मतलब एक फिक्स टाइप का एरर वो कर रहा है, तो दैट विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सिस्टमैटिक एरर. अब इसकी मतलब सबसे बड़ी इसकी पहचान क्या होती है, या तरीका पैटर्न क्या होता है, कि ये हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में अराइज हो रहा होता है. एक और एग्जाम्पल देता हूँ जो कि सिस्टमैटिक आपको इंस्ट्रूमेंटल में ही आ जाएगा, जीरो एरर की केस में, कि मान लो एक स्प्रिंग बैलेंस है, वी हैव अ स्प्रिंग बैलेंस, और उस बैलेंस पे अगर हम कोई वजन लगा रहे 2 kg का, तो वो 2 kg दिखाना चाहिए, पर हो क्या रहा है ना कि उसमें पहले से एक फॉल्ट है. वो क्या है कि जब हम कुछ वेट नहीं लगा रहे ना, तो वो जीरो पे पॉइंट नहीं कर रहा, तो वो सपोज 0.4 पे पॉइंट कर रहा है. तो 0.4 पे पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर एक जीरो एरर है. तो आप जो भी रीडिंग लोगे, जैसे मान लो कि आप एग्जैक्टली 2 kg का उसमें वेट लगा के देख रहे हो, तो वो 2.4 दिखाएगा. अगर आप 3 kg का लगा रहे हो तो 3.4 दिखाएगा, मतलब हमेशा 0.4 आगे जा रहा है. तो यानी क्या है, ये एक सिस्टमैटिक वे में है, इसको एलिमिनेट करना आसान है, हमको पता है कि हाँ 0.2 हमेशा आगे दिखाता है, हम उतना माइनस कर लेंगे. या अगर मान लो कि जीरो पे होना चाहिए लेकिन 0 से 2 पॉइंट नीचे है, तो उसमें हम उतना प्लस कर लेंगे. सो दैट इज अ काइंड ऑफ जीरो एरर जो कि इंस्ट्रूमेंटल में ही आता है. पर ऐसे टाइप के एरर जो एक फिक्स डायरेक्शन में हो रहे होते हैं, जैसे मैंने बताया 0.4 आगे, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है वो, सिस्टमैटिक एरर की यही खासियत होती है. और क्योंकि इसके जो रीजंस है वो नोन होते हैं, इसके कॉजेस जो है वो नोन होते हैं, इसको मिनिमाइज करना आसान है. सर कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं इसको? इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अच्छे इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ गुड इंस्ट्रूमेंट्स, वी कैन अपने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को इम्प्रूव करके हम इसको ठीक कर सकते हैं, और पर्सनल एरर को मिनिमाइज करके. ओके, और आप एक और चीज़ यहाँ सिस्टमैटिक में आप जो है देख सकते हो, जैसे मान लो कि आपने कोई हीट वाला एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में जब आप मतलब आपने जब वो एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो सपोज समर में किया था, मान लो अप्रैल मंथ में किया था. ओके, और अप्रैल मंथ में नॉर्मली सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो आपकी सारी रीडिंग थोड़ी सी ज़्यादा ही दिखेगी, कंपेयर टू कि भाई वही एक्सपेरिमेंट समझो आपके एग्ज़ाम में आ गया, और वो एग्ज़ाम मान लो कि विंटर सीजन में है, तो उस टाइम पे जो रीडिंग आएगी, और ये समर में जो आपने लिया था उसमें वेरिएशन तो दिखेगा ही, है ना, क्योंकि वो अलग सीजन था, ये अलग सीजन है, टेम्परेचर में चेंजेस है. सो दैट कैन ऑल्सो बी सेड कि भाई ये एक सिस्टमैटिक एरर की वजह से हो रहा है. इसके बाद दूसरा है रैंडम एरर. रैंडम एरर को चांस एरर भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इसका कोई ठिकाना नहीं होता, कोई तरीका, कोई पैटर्न नहीं होता. ये एरर कहीं भी कैसे भी हो सकता है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये कभी 0.2 का, कभी 0.4 का, कोई भी, मतलब साइन और साइज दोनों ही चीज़ों में इसमें
डिफरेंसेस मतलब बहुत ही रैंडम होता है, ओके। और एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, मतलब अनप्रेडिक्टेबल कंडीशन, अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशन की वजह से हो सकता है। जैसे मान लो कि आप पेंडुलम का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, अब यहाँ से कोई अचानक से खिड़की खोल दिया, हवा आ गई, तो ये ज़्यादा बार ऑसिलेट कर गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है जिसकी वजह से रैंडम एरर हो सकता है। और एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि मान लो हम कोई इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं, या मान लो ओम्स लॉ वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अचानक से कुछ हुआ कि भाई वोल्टेज हाई आ गया यहाँ पर, तो ऐसी वाली चीज़ें जो रैंडमली अकर हो सकती है उसको रैंडम एरर कहते हैं, ओके। और क्योंकि यहाँ पर हम इसका कोई फिक्स ठिकाना तो है नहीं, तो इसको मिनिमाइज करने का तरीका क्या है वो देख लो। इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, उस एक्सपेरिमेंट को एक बार नहीं रीड करके कई बार उसको रीड करेंगे हम, मतलब सेम चीज़ को जो मेजर कर रहे हैं उसको हम 10 बार मेजर करेंगे या मान लो 5 बार मेजर करेंगे, और ऐसे नंबर ऑफ टाइम जो उसका ऑब्जर्वेशन है वो रिपीट करके, और जो भी वैल्यू आ रही है, हम जो 5 बार किया आपने, तो वो वैल्यू को आप क्या करो, उसका मीन निकालो, एरिथमेटिक मीन निकालो, एवरेज निकाल लो। तो इस तरह से हम रैंडम एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट ग्रॉस एरर, ये कैसे, ये केयरलेसनेस की वजह से होता है। जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसका ध्यान नहीं है, उसका मूड नहीं है, यहाँ देख रहा है वहाँ देख रहा है, बिल्कुल उसको ज़बरदस्ती बिठा दिया गया है, तो ऐसे वाले केस में जो एरर्स होते हैं वो कैसा है, वो ग्रॉस एरर में आता है। इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली सेट नहीं किया, गलत ऑब्जर्वेशन लिया जा रहा है, कोई प्रिकॉशन ढंग से नहीं लिया जा रहा, तो ऐसी वाली चीज़ें जो है, या फिर समझो कि आपने पूरा एक्सपेरिमेंट ठीक किया लेकिन उसके जो वैल्यू आ रही है उसको ठीक से हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशन में गलत वैल्यूज यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे जो केयरलेसनेस की वजह से जो एरर अराइज होगा उसको ग्रॉस एरर कहते हैं। और इसको मिनिमाइज करने का तो भाई एक तरीका है, सिंसियरली एक्सपेरिमेंट करो और मेंटली अलर्ट होके एक्सपेरिमेंट करो, है ना। नींद पूरी नहीं हुई है भाई, ऐसे बस करते जा रहे हैं तो ग्रॉस एरर होने का चांसेस रहेगा, ओके। ये सब तो एरर की बात हो गई। अब जब हम मतलब नॉर्मली चलो ये सब चीज़ें हम कर भी लें, फिर भी जो रैंडम एरर है वो तो एग्जिस्ट करते रहेंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ऐसे वाली वैल्यू को हटाने के लिए, मतलब हम ऐसा तो नहीं कि एरर को हम पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसको मिनिमाइज करके हम बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू की तरफ बढ़ सकते हैं, ओके। सो वो करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी वैल्यूज़ लेके और उसको फिर एवरेज आउट करते हैं, और उसके लिए एवरेज करने के लिए यहाँ पर भी 3 टाइप हम यहाँ पर एवरेज करने का तरीका जो है देख सकते हैं। उसमें भी एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर, और परसेंटेज एरर, मतलब मीन निकालने के टाइम पे ये चीज़ मतलब न्यूमेरिकल के लिए भी आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये हिस्सा। थोड़ा ध्यान देना, आपको लग रहा होगा भाई क्या लिख दिया, लेकिन देखो समझ में आ जाएगा। उसका मैं एक सम भी यहाँ पर दिखाया है, वो भी हम देख लेंगे। तो जैसे कि मान लो हम उस स्पीयर, मान लो कोई एक स्पीयर है उसका रेडियस मेजर कर रहे हैं, तो मैंने वर्नियर कैलिपर या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिया जैसे कि उसका रेडियस मेजर कर रहा हूं मैं, और मैंने एक बार मेजर किया, एक बार रीड किया R1 आया, दूसरा मान लो A1, दूसरी बार रीड किया A2 आया, तीसरी बार रीड किया A3 आया, तो रेडियस, वी आर मेजरिंग द रेडियस। तो ऐसे करके मान लो कि हमने n टाइम्स रीड कर लिया, उसके रेडियस को हमने n टाइम्स रीड कर लिया, 5 बार 10 बार जो भी है, तो नंबर ऑफ रीडिंग टेकन देखो यहाँ पर A1, A2, A3 ऐसे करके बहुत सारे रीडिंग्स ले लिए हमने, अलग अलग जो भी वैल्यूज मिली, थोड़ा पॉइंट का आगे पीछे सब दिख रहा है। अब क्या करेंगे हम कि अब देखो इसमें ये भी है कि वो स्पीयर परफेक्टली स्पीयर नहीं होगा तो हो सकता है, इसलिए हम सभी तरफ से उसको करके देख ले रहे हैं, है ना, ये सब चीज़ें भी है, तो हमको एक बहुत ही अच्छी वैल्यू मिलेगी जब हम एवरेज आउट करेंगे। अब क्या करेंगे, इसका मीन वैल्यू निकालेंगे। मीन वैल्यू का मतलब क्या, A1, A2, A3 जो भी है, अब मान लो 5 है, A1, A2, A3, A4, A5, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर AM यानी मीन वैल्यू कैसे निकलेगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपॉन 5 कर लेंगे, ऐसे ही n टाइम्स है तो अपॉन n, 4 होता तो अपॉन 4, जैसे हम एरर मीन या एवरेज निकालते हैं वैसे ही कर रहे हैं। सो इससे आपको मिलेगी मीन वैल्यू, लेकिन अभी तक इसमें एरर की बातें नहीं आई है, ये तो मीन रीडिंग हुआ, एवरेज रीडिंग हुआ, अभी तो एरर निकालना बाकी है। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, देखो एब्सोल्यूट एरर हर एक वैल्यू में, जब हम ए रीड मतलब पहली बार जब हम रीड कर रहे थे A1, उस टाइम पे कितना एरर का पॉसिबिलिटी था, तो उसको कैसे निकालते देखो। एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, ड्यूरिंग द फर्स्ट रीडिंग, A1 वाले मेजर करने के टाइम पे कितना एरर हो सकता था, वो हम कैसे कर रहे देखो, डेल्टा A1 एरर इन केस ऑफ A1 कैसे निकाला, इसमें मैग्नीट्यूड निकाली जाती है या फिर मॉड निकाला जाता है, AM माइनस A1 करके। जैसे
मान लो AM की वैल्यू है 1.29 और A1 की वैल्यू है 1.27, तो कितना आएगा डिफरेंस? 0.02, ठीक है। लेकिन मान लो कि ऐसा है कि AM की वैल्यू है 1.27 और इसकी वैल्यू है 1.29, तो उस टाइम पे क्या आएगा? -0.02। लेकिन मॉड क्या होता है? ये मॉड का मतलब ही क्या होता है कि ये माइनस हो या प्लस, उसको प्लस बनाओ, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है हमको। तो इस तरह से कोई भी माइनस साइन नहीं आएगी, जो डिफरेंस है उसको प्लस में लिख दो बस। ये मॉड का फंक्शन ऐसे ही काम करता है। तो इस तरीके से आप AM माइनस A1 कर लो, AM माइनस A2 कर लो, AM माइनस A3 कर लो, तो उससे क्या मिलता जाएगा? डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN। तो इस तरीके से आपने एब्सोल्यूट एरर्स निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना था? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या? ये जो भी वैल्यूज मिली है डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, उन सबका भी अब एवरेज निकाल लो। मतलब हर बार जो आपने एरर किया है उन एरर का एवरेज निकाल लो कि भाई अप्रॉक्सीमेटली आपने कितना एरर किया। सो दैट इज डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN अपॉन N कर देंगे और इससे आपको मिल जाएगा डेल्टा AM, यानी मीन एरर जो आपने यहां पर किया हुआ है। अब ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर, जो हमको पहला चीज जो था वो आ गया। अब रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर का मतलब क्या होता है? कि आपने रीडिंग जो है उसकी कंपैरिजन में कितना आपने एरर किया। तो बहुत सिंपल है, इसमें देखो रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं। जो आपको अपने मीन एरर निकाला यानी डेल्टा AM अपॉन जो मीन वैल्यू निकली है वो कर दोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमने इतना 100 ओम का मान लो ये वैल्यू रीड किया और उसमें हमने 0.1 ओम का हमने एरर किया था, तो 0.1 अपॉन 100 कर देंगे जिससे पता चलेगा हाँ भाई बहुत छोटा सा एरर है ये। लेकिन अगर मान लो कि आप 0.2 वाली रीडिंग ही ले रहे थे और उसमें 0.1 का एरर कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो यानी एक्चुअल वैल्यू जो आप रीड कर रहे थे उसकी कंपैरिजन में आपने जो एरर निकाला है वो कितना बड़ा या छोटा है वो पता चलता है इससे, ठीक है। तो रिलेटिव एरर यानी कि जो मेन वैल्यू है उससे आपका एरर है ना, उस वैल्यू के कंपैरिजन में एरर कितना है वो पता चल जाता है। और परसेंटेज एरर मतलब क्या? परसेंटेज एरर में सिर्फ जो आपका फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर है यानी ये वाला वैल्यू में इंटू 100 कर दो तो आपका हो जाएगा परसेंटेज एरर। और एक और बात का ध्यान रहे कि यहाँ पर प्लस और माइनस लिखा जाएगा बिकॉज इससे हमको पता चलेगा हाँ भाई एरर है उतना आगे या पीछे हो सकता है, जरूरी नहीं कि भाई उतना प्लस में। मतलब आपने रीड किया इतना तो आप क्या करोगे, हाँ भाई मैंने 100 ओम रीड किया, ये 1 ओम ऊपर या 1 ओम नीचे हो सकता है। एरर का मतलब ये है कि हम एरर के साथ उसको पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं। अब ज़्यादा क्लियर होगा जब हम इसको न्यूमेरिकल के टर्म्स में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू बी, मतलब यहाँ पर अब वेरियस वैल्यूज ली गई है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया है नंबर ऑफ टाइम्स। अब देखो यहाँ पर 8 बार ये वैल्यूज निकाले, तो एक बार 1.29 आया, एक बार 1.33 आया, एक बार 1.34 आया, 1.35, 1.36, 1.30, 1.33 और ऐसे। देखो 1.33 भी यहाँ पर रिपीट हुआ, इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि हाँ अलग अलग वैल्यूज आएंगी। 8 बार लिया, एक आध वैल्यू रिपीट भी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। और जो हमको दिया उसी हिसाब से करना, कि हमको क्या निकालना है यहाँ पर, मीन वैल्यू निकालनी है, फिर एब्सोल्यूट एरर निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है। मतलब हमको AM निकालना है, फिर डेल्टा AM निकालना है, ये चीज़ निकालनी है और ये चीज़ निकालनी है। तो बस शुरू कर देंगे। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वैसे हम म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन से भी, मैंने यहाँ पर एन से किया हुआ है। सो दिस इज योर, पहले हम निकाल रहे हैं मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या करते हैं, सभी वैल्यू को ऐड कर दो और डिवाइड बाय एन। अब यहाँ पर एन मतलब 8 टाइम्स 8 वैल्यूज है तो अपॉन 8 हो जाएगा, है ना। ये है आपका मीन निकालने का फॉर्मूला। तो वैसे ही किया हमने, सभी को ऐड करके अपॉन 8 कर दिया, अगर ये 7 होता तो अपॉन 7 कर देते, ओके। तो इससे जो हम सॉल्व कर पाए वो ये आया 1.3275, ऐड करके डिवाइड बाई 8 किया। तो अब इसको हमको राउंड ऑफ करना होता है। राउंड ऑफ कैसे करते हैं सर? तो वो आपका जो नॉर्मल बचपन वाला राउंड ऑफ है उससे थोड़ा सा और एडवांस वाला है, उसमें थोड़ा सा और चीज़ें ऐड होती है। वो कैसे किया जाता है उसके लिए वीडियो बना हुआ है, बेसिक फिजिक्स वाला, ज़रूर देखिए। उसमें जाके आपको बेसिक फिजिक्स का जो अपना वीडियो है उसमें 4 आवर्स का वीडियो है, उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा। तो जिसने अभी तक नहीं देखा उसको जाके देखो, ठीक है। तो ये चीज़ अब यहाँ पर एक बता देता हूँ बेसिक क्या है। देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, ये 2 डिजिट है, तो यहाँ भी हमको पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक इसको
राउंड ऑफ करना था, प्लस देखो यहाँ उससे दूरी मतलब यहाँ तक हमको इसको अप्रोक्सीमेट करना है, अगला वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो यहाँ प्लस 1 हो जाएगा 1.33। बाकी चीज़ आप वहाँ पर देखो 5 से इक्वल होगा तो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। अब ये आ गया आपका मेन वैल्यू, पहला वाला चीज़ आ गया है ना, ये निकल गया। अब निकालना एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट के लिए क्या करना होगा, हर एक का जो इंडिविजुअल एरर है एब्सोल्यूट वो निकाल लो, यानी डेल्टा एन वन कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर ये वाला मीन वाला में से माइनस कर लो एक एक वैल्यूज़ को, तो डेल्टा एन वन में ये वाली चीज़ जो मीन आई है यानी एन एम माइनस एन वन कर लो, यानी क्या 1.33 जो मीन आया है वो माइनस जो आपका पहला वैल्यू है, और उसका मोड मॉड निकाल लिया हमने, मॉड्यूलस निकाल लिया, ये आ गया ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल ली। फिर मीन में से दूसरा वाला माइनस किया, देखो मीन भी 1.33 है और दूसरी वैल्यू भी 1.33 है तो 0.00 है। आप बोलोगे सर खाली जीरो लिख दो, पर यही एक्सपेरिमेंट का तरीका, पॉइंट के बाद दो डिजिट है वही मेंटेन करना हमको यहाँ पर, ओके। ऐसे करके हमने हर एक का निकाल लिया, आठों की वैल्यूज निकाल ली, तो ये हमको डेल्टा एन वन डेल्टा एन टू डेल्टा एन थ्री ये सब वैल्यूज मिल गई। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको क्या निकालना है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर जिसमें हर एक जो डेल्टा एन वन डेल्टा एन टू सब मिला उसका आप एवरेज निकालो। सो यानी इन सब का जो वैल्यूज मिला है इन सब का हमको एवरेज निकालना है, तो मिल जाएगा इससे आपको मीन एब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा एन एम यानी एब्सोल्यूट एरर का जो मीन है वो वैल्यू क्या है। सभी वैल्यूज को यहाँ पर हमने ऐड कर दी, डिवाइड बाई एट कर दिया, जिससे हमको ये मिला। अगेन हम पॉइंट के बाद दो डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे एंड देन ये मिल गया हमको मीन एब्सोल्यूट एरर। अब निकालना है रिलेटिव एरर एंड जो आपका परसेंटेज एरर है। रिलेटिव एरर में मैंने बोला आपको प्लस माइनस लगा देना है एंड परसेंटेज में भी, तो इसमें जो आपका एरर आया है मीन एब्सोल्यूट वाला यानी कि 0.02 अपॉन जो मीन वैल्यू मिली है दैट इज 1.33 और ये करके 0.015 आया है प्लस और माइनस में। अगेन राउंड ऑफ करना है दो डिजिट तक, वो हमने कर लिया, ओके, एंड दैट इज प्लस और माइनस 0.02 आ गया। इसके बाद परसेंटेज एरर कैसे निकालना है, जो आपका ये वाला वैल्यू मिला है इस वैल्यू में से आप इनटू 100 कर दो, ओके। आप बोलो सर यहाँ पर क्यों नहीं किया, ये वाले में 100 कर लो, 100 ही मल्टीप्लाई करना है वैसे भी, देखो ये ज़्यादा एग्जैक्ट परसेंटेज निकालना तो उसमें पॉइंट के बाद डेसिमल का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हमको मिल गया, वो हमेशा आप इसमें किया करो, इनटू 100 कर दिया और यहाँ पर हमको परसेंटेज एरर मिल गया। इसके बाद की एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोपोगेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, मतलब क्या है, जैसे मान लो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और रेक्टेंगल का आपने लेंथ और ब्रेथ मेजर किया, आपको उसका एरिया कैलकुलेट करना है, पर लेंथ में भी थोड़ा एरर है और ब्रेथ में भी थोड़ा एरर है। जब आप एरिया निकालोगे लेंथ इनटू ब्रेथ करके तो सोचो कि अब वो एरर और बढ़ जाएगा, उसके अंदर और मिस्टेक बढ़ने का चांस है। तो उस एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए, एरर को कम करने के लिए हमको क्या सीखना होगा, कैसे कि मतलब अलग अलग फॉर्मूलाज में, जैसे लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब प्रोडक्ट हो गया, तो प्रोडक्ट वाले फॉर्मूला में कैसे एरर को कम किया जाता है उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज आएंगे, तो वो आप सम वाले में डिफरेंस के लिए जो फॉर्मूला हुआ उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट के लिए, डिवीजन के लिए, पावर के लिए, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और यहाँ पर हम बात करें अगर ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस पार्ट, ये दोनों ही चीज़ें उस वीडियो में है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो 4 आवर्स वाला वीडियो है, ठीक है, तो वो भी आप ज़रूर देखिए और उसमें से अगर सारी चीज़ें आ गई तो भाई मज़ा आ जाएगा, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर जहाँ पर हम ये चीज़ सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।